अयोध्या में हुई युवक की हत्या, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चाकुओं से गोद कर हुई युवक की हत्या, मामूली कहा सुनी के बाद हुई हत्या। कांग्रेस पूर्व महानगर अध्यक्ष का भाई है मृतक। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है, जहां युवक की हत्या कर दी गई है। चाकुओं से गोद कर हुई युवक की हत्या, मामूली कहा सुनी के बाद हुई हत्या। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस पूर्व महानगर अध्यक्ष का भाई है मृतक। अयोध्या में हुई युवक की हत्या, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चाकुओं से गोद कर युवक की हत्या कर दी गई। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है, मामूली कहा सुनी के बाद यह हत्या को अंजाम दिया गया है। कांग्रेस पूर्व महानगर अध्यक्ष का भाई है मृतक। अयोध्या से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई है। मामूली कहा सुनी के बाद हुई हत्या, पूर्व महानगर अध्यक्ष कांग्रेस का भाई है मृतक। अयोध्या से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई है। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। 28 नवंबर को गोरखपुर और देवरिया जिलों का दौरा करेंगे सीएम योगी, जहां गोरखपुर में योगी सांसद खेल प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में जाएंगे। साथ ही 86 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे, जबकि देवरिया में पूर्व विधायक स्वर्गीय रघुराज सिंह के प्रतिमा का अनावरण करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। तो सीएम योगी के आज कई कार्यक्रम हैं, जिसमें से एक है कि सीएम योगी खेल प्रतियोगिता में शामिल होंगे और गोरखपुर और देवरिया जिलों का दौरा करेंगे। यानी कि दो जिलों के दौरे पर है गोरखपुर और देवरिया। यहाँ गोरखपुर में योगी सांसद खेल प्रतियोगिता, जो कि कई दिनों से चल रही है, उसके समापन कार्यक्रम में जाएंगे और साथ ही 86 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जबकि देवरिया में पूर्व विधायक स्वर्गीय रघुराज सिंह के प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, आज दो जिलों के दौरे पर हैं, क्या कुछ सौगातें दे सकते हैं सीएम योगी? मैं आपको बता दूं कि चुनाव की नजदीकें पास आ रही हैं और नजदीकों के साथ साथ सीएम योगी के जो दौरे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं जी। ऐसा नहीं है कि केवल चुनाव महत्वपूर्ण है, इसके अलावा भी सीएम योगी द्वारा पहले भी लगातार दौरे किए जाते हैं, पर इस तरह चूंकि चुनाव है और चुनाव के समय जनता से संवाद भी आवश्यक है, खास तौर से जनता को सौगात देना भी बहुत आवश्यक होता है। तो माना जा सकता है कि आज भी सीएम जो उनका देवरिया और गोरखपुर दौरा है, उसमें भी जनता को बड़ी सौगातें देते नजर आएंगे। अगर मैं सीएम के देवरिया दौरे की बात करूं तो सीएम देवरिया पहुंच चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि सीएम देवरिया में रघुराज प्रताप सिंह जो पूर्व विधायक हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही साथ वहाँ पर कई बड़ी योजनाओं के लोकार्पण का और शिलान्यास का कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री का है। इसके साथ ही सीएम देवरिया के भाटपार जो विधानसभा सीट है, वहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। ये भाटपार वही विधानसभा सीट है जो देवरिया की 60 विधानसभा सीटों में एक है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं जीत पाई है। अगर पिछले चुनावों की बात करें तो यहाँ पर हमेशा सभा का दबदबा रहा है। हालांकि अगर यहाँ के समीकरण की बात करें तो यहाँ पर कुशवाहा और समन वोट अच्छी खासी संख्या में है, इसके बावजूद यहाँ पर आज तक भारतीय जनता पार्टी अपना परचम नहीं ले जा पाई है। और हम देख रहे हैं कि सीएम के लगातार दौरे में, जब से सीएम आए हैं तब से उनके द्वारा उन सीटों पर दौरे किए जाते हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं जीत पाई है। तो ये मान लीजिए कि भाटपार रानी पे जो भाटपार जो विधानसभा है देवरिया की, वहाँ पर जनसभा आयोजित कर संबोधित कर सीएम वहाँ की जो गणित है, वहाँ का जो समीकरण है, उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी आगामी 2022 के चुनाव में भाटपार पर भी अपनी परचम लहरा पाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे। तो सीएम योगी दो जिलों के दौरे पर हैं, जहां सौगातें देते हुए नजर आएंगे, चुनावी माहौल है और ऐसे में ये जो सीट है देवरिया की, वो काफी अहम है बीजेपी के लिए और यहाँ पे 86 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, जनता को लुभाने की कोशिश है ये। देवरिया में पूर्व विधायक स्वर्गीय रघुराज सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे, जनता को संबोधित भी करेंगे।
उत्तर प्रदेश में 28 नवंबर को आयोजित हो रही यूपी टेट का पेपर लीक हो गया है। इसकी वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग के निर्देशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद परीक्षा निरस्त करने का फैसला किया गया। पेपर लीक होने के बाद एसटीएफ ने प्रदेश भर में छापेमारी की है। प्रयागराज, मेरठ और गाजियाबाद से कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो एक बड़ी खबर है, जहां पेपर लीक हो जाता है, जहां कोविड की वजह से काफी लंबे समय से कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो डिले होती जा रही, रद्द होती जा रही हैं और पोस्टपोन हो रही हैं, और उसके बाद अब जब आज 28 नवंबर को यूपी टेट का दो पालियों में एग्जाम होना था, तो वहीं एग्जाम से ठीक पहले ये खबर सामने आती है कि पेपर को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि जो पेपर थे वो लीक हो गए हैं। तो बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर पेपर वायरल किए गए हैं, लीक हुए हैं, जिसके बाद अब जांच शुरू हो गई है, परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। हालांकि तस्वीरों में देख सकते हैं, अम्बेडकर नगर, फरुखाबाद, सभी जगह से तस्वीरें हमारे पास आ रही है। हमारे संवाददाता भेज रहे हैं कि प्रवेश पत्र आ गया था, एग्जामिनेशन हॉल में छात्र बैठ चुके थे, पेपर तक बट चुके थे, लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई पेपर को रद्द कर दिया गया। व्हाट्सएप पर लीक हुआ है पेपर, आपको बता दें कि अब जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद परीक्षा को निरस्त किया गया। पेपर लीक होने के बाद एसटीएफ ने प्रदेश भर में छापेमारी की। प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद से कई लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। आगे की जांच जारी है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का इस पर अब बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। यूपीटीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः एक महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। एफआईआर कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यूपीएसटीएफ को जांच सौंपी जा रही है, ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बेसिक शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इससे कई लोगों के, कई छात्रों के भविष्य पे एक सवाल या निशान खड़ा हो रहा है। ये चिंता का विषय है, जहां इतनी बड़ी परीक्षा है जिसके लिए काफी तैयारी करी जाती है, और उसके बाद उसका पेपर लीक हो जाना एक बड़ी बात है, और जो भी अपराधी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कई लोगों के जो भविष्य है उससे खिलवाड़ किया जा रहा है। यूपी टेट का पेपर लीक हो गया है और इसकी वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, जो पेपर लीक होने की जो प्रक्रिया है, मतलब कहाँ कमी आ जाती है, इसके पीछे किन लोगों का हाथ होता है, इसमें जांच जरूरी है, तो सख्त कदम कैसे उठाए जा सकते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ जो सेवा आयोग है वो लगातार प्रयास करता है कि इस तरह की परीक्षाएं, जो बड़े स्तर की परीक्षाएं हैं, उनको लीक ना होने पाए, उनमें कोई व्यवस्था दिक्कत ना होने पाए। पर हमेशा ही देखा जाता रहा है कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो लगातार सेनमारी करते हैं, और सेनमारी के प्रयास से कहीं ना किसी माध्यम से वो पेपर को प्राप्त कर लेते हैं और बाद में उनको लीक कर दिया जाता है। अभी तक देखा जा रहा था कि मुन्ना भाई टाइप के लोग बैठते थे और परीक्षा में जो है आपको बैठते थे और पास कराते थे, नकलविहीन परीक्षा की जो सरकार की जो कोशिश होती थी वो नाकाम हो जाती थी। इसके अलावा देखा जा रहा है कि लगातार कई समय से लीक हो जाते हैं पेपर और उसका खामियाजा पूरी तरह से परीक्षार्थियों को भुगतना पड़ता है। हालांकि उन्होंने कहा है, शिक्षा मंत्री का बयान आया है, सतीश द्विवेदी ने बयान दिया है कि एक महीने के अंदर दोबारा परीक्षा करा ली जाएगी दोनों पालियों में और परीक्षार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पर सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह है, जो परीक्षार्थी अलग अलग जिलों से आए थे, समस्याओं का सामना करते हैं, ठंड है, इसके अलावा आते हैं जिलों से, तमाम ट्रांसपोर्ट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस समय जब परीक्षा होती है तो सीटें भी नहीं मिलती बसों में, ट्रेनों में, तमाम व्यवस्थाओं को उनको दिक्कतें होती हैं। इसके बावजूद वो लोग पहुँचते हैं परीक्षा स्थल पर और परीक्षा देने का प्रयास करते हैं, परीक्षा देते हैं, पर जिस तरह से दोबारा पहुँची तो दोबारा ही उनको उसी समस्या से गुजरना पड़ेगा, वही परेशानी होगी, और जो एक महीने का जो मानसिक दबाव है उनके ऊपर वो भी उनके ऊपर रहेगा निश्चित तौर पे, और कहीं ना कहीं ये भी उनके मन में आशंका होती है कि दोबारा फिर परीक्षा लीक ना हो जाए। हालांकि एसटीएफ को लगाया गया है मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद और प्रयागराज से कुछ लोग हिरासत में लिया गया है, पर हमेशा से ही प्रश्न बना रहता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि इस तरह की जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं उनके प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं विभाग में या कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में ऐसी कोई खामी है जिसके तहत ये परीक्षा लीक होती है और जिसका खामियाजा पूरी तरह से परीक्षार्थियों को भुगतना पड़ता है। गौरव, जो अपराधी उन्हें किस तरह की सजा मिलनी चाहिए?
देखिए अपराधियों सजा तो खैर जो कानून संगत है, जो न्याय होगा उसके तहत सजा मिलेगी, जी सुनवाई होगी, तमाम चीज़ें होंगी, कौन इसका मास्टरमाइंड है, किसके माध्यम से की जाती है, किसका पूरी योजना थी, वो तो फिलहाल वक्त बताएगा कि न्यायपालिका उसमें क्या सजा देती है। जी पर निश्चित तौर पर हमको अपनी चीज़ों को दुरुस्त करना पड़ेगा, सरकार को, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा आयोग को अपना जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त करना पड़ेगा, जिससे कि इस तरह की घटनाएं ना हो पाए और जिसका जिसका खामियाजा परीक्षार्थियों को ना भुगतना पड़े। क्योंकि हम सजा देकर केवल केवल अपराधियों को सजा दे सकते हैं, पर जो लाखों लगभग लगभग लाखों को हजारों की संख्या में यहाँ परीक्षार्थी यहाँ परीक्षा देने आए थे, उनको जो अब अगले एक महीने के अंदर उनको दोबारा आना पड़ेगा, जो समस्याएं होंगी चाहे खर्चे को लेकर समस्या हो और चाहे जो अन्य समस्याएं जैसे ट्रांसपोर्ट को लेकर समस्या हो, उन तमाम समस्याओं की जो उनको दिक्कतें होंगी उनका खामियाजा कौन भुगतेगा, ये तो फिलहाल अपने आप गौरव हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो व्यवस्था होती है किसी भी परीक्षा को कराने के लिए उसमें जो खर्च आता है, तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए दोबारा से परीक्षा कराना, तो इसमें कितना खर्च आ जाएगा दोबारा से फिर से परीक्षा आयोजित कराने में? नहीं वैसे वैसे कि जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री जो राज्य मंत्री हैं सत्य देव, उन्होंने बयान दिया है कि इस बार जो परीक्षा दोबारा होगी एक महीने के अंदर, हम कोई अलग से परीक्षार्थियों से शुल्क नहीं लेंगे, वो अलग बात है। हालांकि जो व्यवस्थाएं हैं, चूंकि हम कई अधिकारियों को तमाम लोगों को इसके लिए आपको सिखाते भी हैं, संप्रशिक्षण भी देते हैं, उनको बताते भी हैं और उनकी ड्यूटी भी लगाई जाती है, तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं खर्च के अलावा, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो दोबारा व्यवस्थित करना पड़ेगा, दोबारा उनको ड्यूटी लगानी पड़ेगी, दोबारा उनको परीक्षण करना पड़ेगा, दोबारा वही सिरे से पूरी जाँचें होंगी, चाहे वो CCTV जाँचें हो, चाहे परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था हो, तो दोबारा करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर जिस समय से ये परीक्षाएं होती, बड़ी परीक्षाएं होती हैं, लाखों परीक्षार्थी इसमें शामिल होते हैं, तो इसको अगर दोबारा कराने की जो व्यवस्था है, खर्च धन भी खर्च होगा, इसके अलावा समस्याएं भी होगी और परीक्षार्थियों को भी इसमें समस्या को सामना करना पड़ेगा। गौरव ये भी जानना चाहेंगे कि कितने जो अपराधी हैं वो पकड़े गए हैं? अब तक जो जानकारी के मुताबिक अब तक लगभग 6 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें 2 मथुरा से हैं, 1 गाजियाबाद से हैं। गौरव आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि ADGLO इस वक्त इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो चलिए पहले आपको वहां लेके चलते हैं। अभ्यर्थी या परीक्षार्थी शामिल होने से ₹19,99,418 सरकार की प्रतिबद्धता शुरू से सभी परीक्षाओं को सुचितापूर्ण तथा पारदर्शी तरीके से कराने की रही है, और इसमें हम लोगों ने, आपने पूर्व में भी देखा होगा कि आज तक कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जो कि किसी भी न्यायिक प्रक्रिया से जिसमें इंटरफेरेंस रहा हो, और हम लोग इसमें हमारी जो स्पेशल यूनिट्स हैं विशेषकर STL कामयाब रही है, और हम लोग ने पूरी तरीके से सभी परीक्षाओं को नकल विहीन कराने में सफलता प्राप्त की है। इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित हो रही थी, इसके लिए संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा DGP स्तर पर मीटिंग की गई तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अतिरिक्त ये जो नकल माफिया है या सॉल्वर गैंग है, इन पे कड़ी नजर रखने के लिए हम लोगों ने एक पूरा जाल बिछाया, जिसमें मैनुअल इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस की सहायता ली गई, और बीती रात हम लोगों ने कुल अभी तक 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से, जिसमें लखनऊ से 4 लोग पकड़े गए हैं। मेरठ STF की टीम के द्वारा 3 लोगों की को गिरफ्तार किया गया है। STF वाराणसी और गोरखपुर के द्वारा भी 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। जनपद कौशाम्बी से 1 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं तथा प्रयागराज से 13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुछ फोटोकॉपी पेपर्स के मिले थे जिनको हम लोगों ने शासन के साथ शेयर किया, और ये बात प्रकाश में आई कि
कि ये प्रश्न पत्र वही हैं जो कि परीक्षाओं में आने वाले हैं। तत्काल शासन स्तर से इस पे निर्णय लिया गया कि जो सुचिता पारदर्शिता का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने शासन ने निर्णय लिया कि ये परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। ये भी निर्णय हुआ है कि अगले एक महीने में दोबारा ये परीक्षा कराई जाएंगी तथा सरकार के द्वारा ही वहन किया जाएगा। इसके लिए बच्चों को दोबारा न तो कोई फॉर्म भरना होगा न तो कोई फीस देनी होगी। इसके अतिरिक्त यह भी डिसाइड किया गया है कि आज जो भी बच्चे परीक्षा के लिए आए हैं उनको अपने गंतव्य स्थान पर वापस लौटने के लिए उत्तर प्रदेश यूपीएसआरटीसी के बसेस में एडमिट कार्ड से ही फ्री जाने की अनुमति दी गई है, उनको कोई टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस पूरे प्रकरण की जांच एसटीएफ के द्वारा की जाएगी और इसमें जो भी व्यक्ति जो भी संस्था अगर इन्वॉल्व है उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये चीज ध्यान देने योग्य है कि जो प्रश्न पत्र हैं जिस पर परीक्षाएं होनी थी अभी तक वो केंद्रों तक नहीं गई थी, उसको आज सुबह जाना था, तो अभी तक की चेन से जहां तक जिस संस्था ने ये परीक्षा जिसको आयोजित करना था उससे लेकर और ट्रेजरी तक जिसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा उन व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जो चीज़ें बरामद की गई हैं उसमें कुछ मोबाइल फोन हैं और पेपर के फोटोकॉपी हैं और इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के भी कुछ व्यक्ति पकड़े गए हैं। और इसमें दो तरह से चीज़ें की जाती हैं, या तो सॉल्वर गैंग के द्वारा पेपर लीक कराया जाता है या किसी अन्य सॉल्वर को बिठा के ये परीक्षाएं दी जाती है। तो जो कठिनाइयां बच्चों को हुई है उसके मद्देनजर सरकार ने ये कदम उठाए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो परीक्षाओं को बहुत ही पारदर्शी स्वच्छतापूर्ण तथा पवित्र तरीके से कराए जाने की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाते हुए ये निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है। अब इसमें जो भी आदमी पकड़े गए हैं इसके अतिरिक्त अन्य भी लोगों की गिरफ्तारी हम करेंगे। जो जो 23 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में उनका नाम और पते हम ऐसी अभी तक की जो सूचना आई है, क्योंकि आज ही सुबह जाना था और रात से ही ये चीज़ें कुछ लोगों के पास थी, तो ये सभी चीज़ें विवेचना का प्रश्न है। लेकिन फिलहाल सभी जगह शांति है, लोगों को जिला प्रशासन के अधिकारी और जो विभागीय अधिकारी हैं लोगों को बता रहे हैं, वहाँ अनाउंसमेंट लाउड हेलर के द्वारा किया जा रहा है कि सभी बच्चे अपने घर चले जाएँ और पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम है। अब मैं अनुरोध करूंगा जो हमारे जो सहयोगी प्रमुख सचिव जी हैं वो आगे आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे। इसमें परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं जो प्रयागराज में बेस्ड हैं, वो और उनका स्टाफ होता है। कोशिश की जाती है कि कम से कम लोग इसमें जुड़े और एजेंसी की भी सीक्रेसी रखी जाती है कौन सी एजेंसी है। जी अब ये तो जैसा देखिए ये सभी चीजें डिटेल विवेचना का की बिंदु है जिसके बारे में अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है। अभी जितनी चीजें थी और जैसे आपने देखा कि शासन की तरफ से सभी तरह की व्यवस्थाएं कराई गई थी, जैसे वहाँ सीसीटीवी के की भी व्यवस्था थी कि जो भी परीक्षार्थी देंगे उनका सीसीटीवी कवरेज भी होगा, तो सभी व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन
यहाँ कुछ ऐसे गैंग हैं जो बराबर कोई भी परीक्षाएं होती हैं तो उसमें इस तरह के डिस्टर्बेंस करते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि गलत पर्चा भी लीक कर देते हैं, तो जैसे ये पर्चे लीक हुए थे उसको हम लोगों ने शासन के साथ शेयर किया, उन्होंने इस चीज़ों को तस्दीक कराया तो पाया गया कि उसमें से प्रश्न कुछ ऐसे थे जो कि परीक्षा में आने वाले थे। तो इस बेसिस पे शासन ने नहीं एजेंसी तो अभी बताना उचित नहीं होगा, बाकी हमारे जो प्राधिकारी हैं वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं प्रयागराज में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत में, और ये जिम्मेदारी उन्हीं की होती है कि वो प्रश्न पत्र सेट कराएं, एजेंसी का चयन कराएं और फिर उसको जिलों की ट्रेजरी तक पहुंचाएं। ट्रेजरी से फिर व्यवस्था होती है कि परीक्षा वाले दिन सुबह ट्रेजरी से निकाल करके वो परीक्षा केंद्रों पर ले जाया जाता है। इस पे मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ दूसरे प्रदेश के भी लोग आए हैं और इतनी जल्दी इतनी चीज़ों को बताना संभव नहीं है। फिलहाल जो प्रारंभिक सूचनाएं थी बता दी गई हैं, लेकिन यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि इसमें कोई भी व्यक्ति, अगर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है मैंने आपको बताया या कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है, सभी पे कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैडम जैसा आपको बताया गया कि ये देखा जाएगा कि अगर एजेंसी ही कॉम्प्रोमाइज्ड है तो हो सकता है शासन एजेंसी बदलने के बारे में निर्णय ले। कहाँ से ये चीज़ें निकली हैं इन चीज़ों को देखने के बाद ही चीज़ें डिटेल्ड सम्यक विचारों उपरांत शासन के द्वारा ये निर्णय लिया, वो हम लोग जल्दी बताएंगे। हाँ। ये भी देखना होता है कि इतने सारे अभ्यर्थी हैं और उन डेट्स में जो परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं वो फ्री हैं या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं चलती रहती हैं, तो उनको देखते हुए हम लोग एक माह के अंदर ही पुनः परीक्षा कराएंगे। अब आप अपर मुख्य सचिव और रेलवे शिक्षा विभाग के मुखिया हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं परीक्षार्थियों को कि क्या संयम रखिए, क्या करें उनके लिए क्या संदेश है? जैसा एडीजी साहब ने भी अनुरोध किया कि सभी अभ्यर्थियों से हम लोग यही अनुरोध करेंगे और यही निर्देश भी हैं कि उनको पुनः फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, ना किसी तरह की फीस ली जाएगी और हम पुनः डेट जितनी जल्दी होगा वो कराएंगे। आप अवगत हैं कि टीईटी की परीक्षा पिछले वर्ष भी कोविड के कारणों से नहीं हो पाई थी, इसलिए हम लोगों ने इस वर्ष ये कराया था और ये घटना हो गई है, तो हम लोग एक माह के अंदर पुनः इसको संचालित करेंगे। हम सभी का नाम पता आपके साथ कुछ घंटों के बाद से शेयर करेंगे, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के थ्रू हम आपको देंगे। लेकिन ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि शासन के द्वारा इस पर तत्काल निर्णय लेते हुए कि परीक्षा की पवित्रता और शुचिता में आंच ना आए, और जिस तरह से अभी तक की सभी परीक्षाएं हुई हैं उसी तरह हम आगे की कार्रवाई करेंगे, और नकल माफिया जैसे अन्य माफियाओं की कमर तोड़ी गई है, नकल माफियाओं की भी कमर तोड़ी गई है। धन्यवाद। को साफ किया है कि नकल माफियाओं को धर दबोचा जाएगा, उनकी कमर तोड़ी जाएगी। जैसे बाकी माफियाओं पे शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, वैसे ही नकल माफिया को भी खत्म किया जाएगा। और आपको बता दें कि कुल 23 अपराधियों को, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके नाम भी अभी कुछ देर में सार्वजनिक कर दिए जाएंगे, मीडिया के पास आ जाएंगे। आपको बता दें कि बीती रात से ही ये सब कुछ चल रहा था, जब पेपर लीक होने की बात कही जा रही थी। आपको बता दें कि पूरी तरह से ये कहा नहीं जा सकता है कि सेम टू सेम पेपर लीक किया गया, क्योंकि जो पेपर लीक किया गया था उसमें कुछ ऐसे सवाल थे जो आने वाले थे परीक्षा में, जो पेपर दिया गया था उसमें वो सवाल भी मौजूद थे, जिसके बिना पे इन पेपर लीक के गिरोह को पकड़ा गया है और इस परीक्षा को रद्द किया गया है। तो 23 आरोपी पकड़े गए हैं। और इसी बीच शामली से बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि शामली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी टेट लीक मामले से जुड़ी, एसटीएफ मेरठ को मिली बड़ी सफलता, शामली जिले से 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, पेपर के साथ पकड़े गए आरोपी, मनीष विनोद कुंवरपाल है आरोपी, आरोपियों से पूछताछ जारी,
पूरे प्रदेश से अभी तक 7 उठाए गए। पूरे प्रदेश से 7 आरोपियों को पकड़ा गया, इसमें से 3 आरोपी पेपर के साथ पकड़े गए हैं। स्टीक मेरठ को ये बड़ी सफलता मिली है। शामली से बड़ी खबर सामने आ रही, शामली जिले से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, पेपर के साथ पकड़े गए हैं तीनों आरोपी। मनीष विनोद कुमार पाल बताया जा रहा है आरोपियों का नाम। आरोपियों से पूछताछ जारी। पूरे प्रदेश से अभी तक 7 उठाए गए। यूपीटेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक होने के बाद इसे रद्द किया गया है। पूरे गिरोह का पर्दाफोड़ करने की कोशिश में पुलिस प्रशासन लगा हुआ है और 23 आरोपियों को अभी तक कुल 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जल्द से जल्द पेपर कराने की, लगभग 1 महीने में पेपर कराने की बात कही जा रही है प्रशासन द्वारा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो परीक्षार्थी हैं उन्हें ना ही किसी तरह का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ना ही कोई शुल्क देना होगा, सिर्फ परीक्षा करवाई जाएगी और जल्द से जल्द आयोजित कराई जाएगी। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता गौरव बने हुए हैं। गौरव, 1 महीने के अंदर परीक्षा कराने की बात कही जा रही है, इससे जो अभ्यर्थी है उनको कितना फायदा होगा? देखिए, अभ्यर्थियों के लिए एक बात सुकून की है कि अभी एडीएलओ प्रशांत कुमार ने बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है सरकार की तरफ से कि जल्द ही दोनों पालियों में 1 महीने के अंदर परीक्षा करा ली जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि चूंकि परीक्षार्थियों को आना जाना पड़ता है, अलग अलग जिलों में परीक्षा होती है, गिरा जनपद परीक्षा नहीं होती है, अब उन्होंने देखा जाता है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए UPSRTC की जो बसें हैं उसकी व्यवस्था की गई है और वो अपना एडमिट कार्ड दिखाकर यहाँ से अपने गंतव्य स्थान पर जा सकते हैं। इसके लिए उनका उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। एक व्यवस्था सरकार द्वारा उनको राहत देने के लिए की गई है कि परीक्षार्थी जो बेचारे आए थे, जिन्होंने तमाम ट्रेन और बसों से यहाँ पर पहुँचे थे परीक्षा देने के लिए, अब उनके लिए थोड़ी सी राहत देने का सरकार ने काम किया है। उनको कहा है कि जो जो बस से आना जाना चाहते हैं वो बस में जाए, वो अपना एडमिट कार्ड दिखाकर और वहाँ पर अपने गंतव्य स्थान की यात्रा कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क उनको यात्रा की जाएगी, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा एडीजीएलओ उन्होंने ये भी बात कही है कि दोनों पारियों में परीक्षा होगी और 1 महीने के अंदर परीक्षा को करा लिया जाएगा। अगर मैं अपराधियों की बात करूं तो जब शुरुआत में सुनने में आया था कि लगभग 6 अपराधी पकड़े गए थे और अभी लगातार धरपकड़ जा रही है और अब तक लगभग 23 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अभी हाल में खबर आई है कि सामने से भी 3 लोगों को पकड़ा जा चुका है, तो अब तक देखा जाए तो इस मामले में कुल मिला के 26 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनसे पूछताछ जारी है। और माना जा सकता है कि जिस तरह से सरकार लगातार कदम उठा रही है और जो STF है, जो उसकी यूनिट है, कई यूनिट है, वो इस गिरोह का भंडाफोड़ करने में लगी हैं, उनका प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस जो मामला है इसका मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जाएगा और पूरे मामले का खुलासा बहुत जल्दी सरकार द्वारा किया जाएगा। जी गौरव, जिस तरह से नकल कराने वाला पेपर लीक करने का ये जो गिरोह है, ये किस तरह से काम करता है? आखिर इतनी सुरक्षा के बीच में से इनके पास सवाल और पेपर कैसे पहुंच जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, ADGLO ने साफ तौर पर यह भी कहा है, क्योंकि देखा जाता है कि एक पूरी विशेष गैंग होता है जो कि जहां से परीक्षा होती है और वहां से जहां ट्रेजरी जाती है उसमें कहीं ना कहीं सेनमारी की जाती है और सक्रिय लगातार रहते हैं। ये सेनमारी करते हैं, सॉल्वर गैंग हो गया, नकल माफिया हो गया, इस तरह से पूरा एक गैंग है जो इस तरह से काम करता है और कहीं ना कहीं विभाग में कहीं ना कहीं ऐसी खामी रह जाती है या ऐसी कमी रह जाती है जहां से प्रश्न पत्र को लीक कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और परीक्षार्थियों को बेचते हैं और लाखों की जो लाखों रुपये का नहीं पैसा लेके और परीक्षार्थियों को देते हैं। और चाहे वो सॉल्वर गैंग की बात करें, चाहे नकल की बात करें और चाहे इस तरह की पेपर लीक की बात करें, तो बड़े पैमाने पे काम होता है। प्रकार से पूरा माफिया तंत्र, पूरा एक गिरोह तंत्र काम कर रहा है। हालांकि इसके लिए लगातार सरकार द्वारा प्रयास किए जाते हैं, कई लोग उठाए जाते हैं, गिरफ्तारियां लगातार होती हैं, पर अभी भी कई मामले ऐसे होते हैं जिन तक अब तक खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि उसका मास्टरमाइंड जो होता है वो अब तक पकड़ा नहीं जा चुका है। अब देखने वाली बात होगी जो ये परीक्षा का लीक हुआ मामला है। हालांकि ADGLO का ये भी कहना है कि परीक्षा वही प्रश्न पत्र लीक हुआ या दूसरा हुआ, ये भी मिली जुली बात होती है, पर चूंकि अंदेशा होता है और अंदेशे के तहत आशंका के तहत निश्चित तौर पर सरकार ने परीक्षा को रद्द करने का जो निर्णय लिया है वो बेहद सराहनीय है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो सीधी सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर ने इस बात का खुलासा कर दिया कि जल्द से जल्द नकल माफिया का सफाया किया जाएगा। इस तरह से जो परीक्षा रद्द हुई है और काफी लोगों के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उसको लेकर ये गंभीर मुद्दा है जिसको सुलझाना बहुत ही जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।